नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, यह पहले पेनी स्टॉक नहीं था, इसे पेनी स्टॉक जबरदस्ती बनाया गया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जबरदस्ती इसे पेनी स्टॉक क्यों बनाया गया है, तो मैं इसका रीज़न बताऊँगा। पहले हम यह समझ लेते हैं कि पेनी स्टॉक होता क्या है। पेनी स्टॉक जनरली हम उस स्टॉक को कहते हैं जिसका प्राइस कम रहता है, जैसे 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया के नीचे, हम उस स्टॉक को पेनी स्टॉक कहते हैं। इसका मौजूदा भाव भी 5, 6, 7 रुपये चल रहा था, तो लोग इसे पेनी स्टॉक कहना लग गए। लेकिन पेन स्टॉक की असली वजह के बारे में मैं आपको बताता हूं। यह पेन स्टॉक नहीं था, इसे पेन स्टॉक बनाया गया है। दोस्तों, इसके पेन स्टॉक बनाने की वजह यह है कि यह शेयर को स्प्लिट किया गया है 10:1 में। मतलब जब इसका 10 रुपये भाव था, तो अगर इसे स्प्लिट किया गया तो 1 रुपये के भाव में स्प्लिट किया गया। जब यह स्टॉक स्प्लिट हुआ, उस समय इसका भाव 60-70 रुपये चल रहा था, जो स्प्लिट होकर 6-7 रुपये के आसपास आया। इसे 13 दिसंबर 2019 को स्प्लिट किया गया, इस वजह से इस स्टॉक का भाव कम था, नहीं तो इसका स्टॉक 60-70 रुपये चल रहा था। अगर 60-70 रुपये चलता तो यह पेन स्टॉक नहीं था, यह दूसरे शेयर की जैसे ट्रेडिंग करता जो नॉर्मली ट्रेडिंग होता है। लेकिन कंपनी ने इसे स्प्लिट करने का फैसला लिया, इसलिए इस स्टॉक को 13 दिसंबर 2019 को स्प्लिट किया गया। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे 2-3 वीडियो और बना चुका हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। और दोस्तों, मैंने हमेशा इस स्टॉक को रिकमेंडेड किया है कि अगर आप पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट लेते हैं और आप अगर पेनी स्टॉक के दीवाने हैं, तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने यह देखा कि पेन स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, पेन स्टॉक में वो निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो पेन स्टॉक का प्राइस रहता है, प्राइस कम रहता है, इसलिए लोग पेन स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिलचस्प दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पेन स्टॉक में। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता था इस स्टॉक को। उसका वजह भी है कि मैं क्यों रिकमेंडेड करता था, चलो मैं उस वजह को बताता हूँ कि यह रिकमेंडेड इसलिए करता था क्योंकि इसका देखिए जो की डेफ्ट है, वो इस कंपनी का डेफ्ट फ्री है। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके कुछ भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, ये वर्चुअल डेफ्ट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि यह कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। मतलब आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, पिछले देखिए 2019 में भी डिविडेंड दिया, 2020 में भी डिविडेंड दिया। डिविडेंड वही कंपनी देती है जिसका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। तो यह कंपनी प्रॉफिट में है, अपने प्रॉफिट को लोगों के साथ शेयरिंग कर रही है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। तो देखिए, इसने 2019 में भी डिविडेंड दिया, 2020 में भी डिविडेंड दिया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस टाइप का पेनी स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम है जो उसके डेफ्ट फ्री हो, जो कंपनी डिविडेंड पे करती हो। इसलिए मैं इस कंपनी को हमेशा रिकमेंडेड करता था कि इस स्टॉक में आप बने रहिए, या इस स्टॉक में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक अगर जिस दिन चल दिया है तो आपको लखपति भी बना सकता है, करोड़पति भी बना सकता है। क्योंकि मार्केट में ऐसे स्टॉक के बहुत से उदाहरण हैं, लोग जिसे नेग्लेक्ट करते हैं वही आगे जाके बड़ा कंपनी बनता है। देखिए, इस कंपनी को रिकमेंड करने का वजह एक और है, उसका रिजल्ट। चलो मैं पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात करता हूँ। देखिए, सितंबर 2019 में इसे 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर अगले क्वार्टर यानी दिसंबर 2019 में इसे 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर इस साल मार्च 2020 में इसे 40 करोड़ का फायदा हुआ था, और इस क्वार्टर प्रेजेंट वाले क्वार्टर मतलब जून वाले क्वार्टर में इसे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू अपने आप को प्रॉफिट में मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, मौजूदा दौर बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है कोरोना की वजह से, उनका बिजनेस ठप हुआ है। उन सब के बावजूद ये पेन स्टॉक होते भी अपने आप को देखिए पिछले 2 क्वार्टर में भी अपने आप को प्रॉफिट में मेंटेन करके रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी में मजबूती कितना है, फंडामेंटल वाइज देखें तो इंटरनल वाइज देखें तो यह कितना मजबूत है। लेकिन दोस्तों, ये क्या पेन स्टॉक है, लोगों का मन यहाँ उथल पुथल होता है, इसलिए लोग इसे पेन स्टॉक कह के नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन पिछले आप कुछ महीने में देखिए, यह स्टॉक डबल हो चुका है और इसका दौर अभी भी जारी है। आप देखिए कितना अच्छे तरह से ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैं इस कंपनी के देखिए पॉजिटिव बहुत चीज़ है इस कंपनी की, जैसे कि डिविडेंड पे कर रहा है, डेफ्ट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स के शेयर प्लेस्ड नहीं है, इसका रिजल्ट देखिए। साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो इनका जो अभी प्रेजेंट बिजनेस मॉडल है, उसमें PPT किट का निर्माण कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया चाइना वार हुआ, उससे भी इन्हें जो माल आना बंद कर दिया, तो ये अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे भी इनको फ़ायदा ही हो रहा है। यह कंपनी कुल मिला के अभी मक्खन की जैसा परफॉर्म कर रही है।
दोस्तों मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ, आप किसी भी स्टॉक को पेनी स्टॉक कहने से पहले उसकी वजह को जानिए। अगर आप उसकी वजह को जानेंगे तो आप इस मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। लोग सुनते हैं रेट देख के पेनी स्टॉक बोल देते हैं, लेकिन उसका असली वजह किसी को पता नहीं रहता है। तो दोस्तों इस स्टॉक का असली वजह पेनी स्टॉक होने का स्प्लिट है, उसको 10:1 में स्प्लिट किया गया, मतलब 10 शेयर के बदले उसे 1 शेयर दिया गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।